हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विवेक सुकुमार है। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में। मैं स्पेशलाइज करता हूँ जीआई ऑन्कोलॉजी और पेरिटोनियल सरफेस ऑन्कोलॉजी में, और आज हम डिस्कस करेंगे बाइल डक्ट कैंसर के बारे में। बाइल डक्ट कैंसर एक ऐसी कैंसर होती है जो पित्त की नली के अंदर होती है। ये डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना है कि पित्त की नलियाँ क्या होती है। पित्त की नलियाँ जिगर से लेके अतरी तक कनेक्ट करती हुई एक टनल होती है। ये नली जो है जिगर के अंदर जो पित्त बनती है वो अतरी तक पहुँचाती है। और ये पित्त अपनी अतरी में क्यों पहुँचनी है? अपने जो खाना पचने के लिए ये पित्त बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हम ये डिस्कस आज क्यों कर रहे हैं? सारी दुनिया में, उत्तर इंडिया में ये जो कैंसर है बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहे, और ये होती है 50 वर्ग के ऊपर वाले लोगों में। एक और कारण हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये है कि ये ज़्यादातर एडवांस स्टेज में हॉस्पिटल में आते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। इसलिए आज हम इस कैंसर के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कैंसर है, जब पित्त की नली के अंदर जब आती है, क्यों आती है, हम पहले थोड़े रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पित्त की नली के अंदर के जो सेल होते हैं उनमें जब इरिटेशन होती है तब ये कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और ये इरिटेशन क्यों पैदा होती है? क्योंकि लिवर के अंदर और पित्त के नली के अंदर जब हम कुछ बीमारियों के वजह से या फिर कुछ स्वभावों के वजह से इरिटेशन हम अपने आप उसमें लाते हैं। थोड़ी बीमारी जो अपने अंदर जेनेटिकली आती है, जैसे कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग, कोलेंजाइटिस या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो जन्म से अपने अंदर होने के चांसेस है, हाँ उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो स्वभाव होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, जिसके वजह से सिरोसिस होता है, ये सब कारण होते हैं इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन के। और भी कुछ कारण होते हैं ये इरिटेशन होने के। एक है इन्फेक्शंस, जैसे लिवर फ्लूक बोल के जो एक कीड़ा है, जब हम कच्चा मांस या फिर कच्चा मच्छी खाते हैं तो उसके अंदर ये फ्लूक रहता है जो इन्फ्लेमेशन ला सकती है। तो ये जब इन्फ्लेमेशन लाती है तो कैंसर कहाँ आता है? बाइल डक्ट कैंसर 3 जगहों पे आ सकती है। एक जिगर के अंदर, जिसको कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा। एक ये पित्त के नलियों में, जब जिगर के जस्ट बाहर ये पित्त की नली निकलते हैं, इनको कहते हैं हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा। और एक जो नली जस्ट अतरी में एंटर करती है उस जगह पे, जिसको कहते हैं डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा। हमारा जो सिम्टम्स या फिर जो पेशेंट को परेशानी होती है इन लोकेशन के अनुसार चेंज होते हैं। तो ज़्यादातर डिटेल्स में जाने के बगैर मैं जस्ट एक ब्रॉड सिम्टम्स या फिर पेशेंट को क्या क्या परेशानी हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम जो रहती है पेशेंट को या फिर हो सकती है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस जब आती है, आँखों में पीलापा, यूरिन का कलर डार्क होना और हर जगह चमड़ी पे इचिंग या फिर स्क्रैचिंग का सेंसेशन आना। उसके साथ साथ क्योंकि पित्त अपनी अतरी में नहीं पहुंच रही है, अपना जो संडास का कलर है वो भी चेंज होता है। जो ब्राउन और येलो कलर नॉर्मल रहता है वो अभी वाइट होने लगता है। एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम जो होता है इसमें वो है जॉन्डिस के बाद जब फीवर या फिर चिल्स और नाइट स्वेट्स होते हैं पेशेंट को। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी पित्त की नली ब्लॉक हो चुकी है, जॉन्डिस हो चुका है और उसमें इन्फेक्शन आ गया है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होता है और पेशेंट को इमरजेंसी में ही ट्रीट करने की आवश्यकता है। तो एक क्वेश्चन जब ज़्यादातर अपना ओपीडी में आता है वो ये है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते थे। मैंने जो पहले आपसे डिस्कस किया था कि कुछ कारण अपने जन्म से या फिर इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जो स्वभाव हम चेंज कर सकते हैं, ये इरिटेशन या प्रॉब्लम लाने जो अपने लिवर के अंदर आते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, हमें बंद करना ही चाहिए। दूसरी बात है अल्कोहल, अल्कोहल के वजह से जो लिवर इरिटेशन और सिरोसिस होती है। तीसरा है मेंटेन हेल्थी वेट। ये WHO ने अभी बताया है कि ज्यादातर कैंसर अपने लाइफस्टाइल या वेट से कनेक्टेड रहती है, तो मेंटेनिंग हेल्थी वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके बारे में हम और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चौथा है केमिकल्स का। थोड़े स्टडीज ये बताए हैं कि ये जो कैंसर है केमिकल्स या केमिकल फैक्ट्री में वर्क करने वाले
जो एम्प्लॉयज हैं उनमें होने की चांसेस ज्यादा है। अभी हम जानते हैं अगर एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या टेस्ट लगता है। पहले तो ये पेशेंट पहुंचते अपने हॉस्पिटल में ज्यादातर जॉन्डिस में आता है, तो जॉन्डिस का एक बेसिक ब्लड वर्कअप होता है जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, बेसिक खून के हीमोग्लोबिन का और लिवर फंक्शन टेस्ट का। लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें पता चलता है कि जॉन्डिस कितना ज्यादा है, लिवर कितना काम कर रही है और लिवर को कितना चोट पहुंचा है। इसके साथ साथ CA99 बोल के एक ट्यूमर मार्कर होती है जो इसमें इंक्रीज लेवल या फिर बढ़ोतरी लेवल पे पता चलता है। ये ब्लड का ही टेस्ट रहता है। ये CA99 जो है ये अपनी पित्त की नली के सेल में ही आती है और वो वहां से ही प्रोड्यूस होता है। इन कैंसर क्योंकि पित्त की नली से आती है, इनका प्रोडक्शन खून में बहुत ही ज्यादा होता है। बट ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है जो आपके डॉक्टर बोलने के बाद ही करना चाहिए। तीसरा टेस्ट होता है MRCP। आप किसी डॉक्टर के पास जॉन्डिस के साथ जब जाओगे, जब ब्लड टेस्ट के बाद मोस्टली आपको एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, वो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पित्त की नली में ब्लॉक है और उसके आगे बाइल डक्ट फुला हुआ है बलून की तरह। तो जब ये डाउट आती है डॉक्टर को तो बड़े टेस्ट करने को बोलते हैं। उसमें फर्स्ट होता है MRCP। वो एक तरह की MRI होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो बीमारी है किस लेवल पे है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जिगर के अंदर है, ये पित्त की नली के अंदर है या फिर अतड़ी के पास है, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट इसके अनुसार चेंज होती है। और एक टेस्ट और किया जाता है, वो है ERCP। ERCP जो है एक एंडोस्कोपी होता है, बेसिकली एक छोटा कैमरा जो है आपके मुंह के द्वारा आपकी जो ईसोफेगस है या फिर अन्न की नली है, पेट के अंदर जाके अतड़ी के द्वारा ये पित्त की नली के अंदर एक कैमरा डाला जाता है। और ये जब कैमरा कैंसर को हम देखते हैं कैमरा के द्वारा, फिर हम एक बायोप्सी ले सकते हैं। जिन पेशेंट्स को फीवर है, चिल्स है, इन्फेक्शन के लक्षण है, ये टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम स्टेंट डालते हैं। स्टेंट मतलब जो पित्त की नली को ये कैंसर ब्लॉक किया है, ये स्टेंट के द्वारा हम ये ब्लॉक को खोल सकते हैं। ये एक जान बचाने की तरीका होता है और एक प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी समझिए कि हमने एक डायग्नोसिस कर लिया है पित्त की नली की कैंसर का या फिर कोलेंजोकार्सिनोमा का। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं हमारे सामने? एक होता है सर्जरी। अगर हमारा ये जो ट्यूमर है बहुत ही लोकलाइज्ड है, छोटा है, अर्ली स्टेज का है, तो सर्जरी करके ये निकाला जा सकता है। आजकल क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, ये ट्यूमर अगर लोकलाइज्ड है स्पेशली हाइलार कोलेंजोकार्सिनोमा में, तो ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन रहती है। अगर स्टेज थोड़ा बड़ा है, स्टेज 3 स्टेज 4 वाला ट्यूमर है, तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी उपयोग किया जाता है इस ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन रहता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और फोटोडायनेमिक थेरेपी। ये होता है एक मिनिमली इन्वेसिव या फिर ऑपरेशन के बगैर ट्रीटमेंट करने का तरीका। ये हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के साथ ही करते हैं। और ये जो तरीका होता है मोस्टली ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं, जब स्टेज कुछ ज्यादा होता है लेकिन पेशेंट को थोड़ा तकलीफ है, पेन है या फिर थोड़ा आराम की जरूरत है, तो ये ट्रीटमेंट देते हैं। इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी इस कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ा बहुत कोलेंजोकार्सिनोमा के बारे में सुना है, डिस्कस किया है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है या क्वेश्चंस है तो मेरे को आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।